हालेलुया। सो आज मैं आपको आपकी चर्च के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि आप अपनी चर्च को पानी से भर लें। आप हैरान ना हो कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप अपनी चर्च को पानी से भर लें। आप पूरा वचन सुनिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम मोटर चलाएं या बाल्टी से या अन्य बर्तनों से चर्च में पानी भरना शुरू कर दें, पानी डालना शुरू कर दें। पहले पूरी बात सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनिएगा। ये आज का वचन आपके कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का कारण होगा। ये आज का वचन आपको बहुतायत से आशीष देने वाला है, लेकिन इसे पूरा सुनना जरूरी है। एक बार एक पास्टर जी थे और उन्होंने एक घोड़ा रखा था, पालतू घोड़ा, और उसे ये सिखाया था उसने कि क्या बोलना है और क्या चलना है। भी ऐसा सिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल, तब वो चलता था। फिर हालेलुया जितना बोलता, हालेलुया हालेलुया, जितनी तेज हालेलुया बोलता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उतना तेज वो दौड़ता। अगर उसको स्लो में दौड़ना होता तो हालेलुया हालेलुया तो वो धीरे हो जाता। फिर रोकना होता था तो उसे आमीन कहते थे और फिर वो रुकता था। तो एक दिन की बात है, एक विश्वासी, एक व्यक्ति कहूं तो, एक व्यक्ति पास्टर के पास आया और उससे कहा कि घोड़ा पसंद से आया। और उसने कहा कि मैं थोड़ी दूर, पहाड़ी एरिया था और थोड़ी दूर मैं इसको सवारी करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, आप पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिएगा कि ये कब चलेगा, कब रुकेगा, कब दौड़ेगा। तो पास्टर जी ने उसे कहा कि जैसे ही इसे कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल, तो ये चलना शुरू करेगा। तब विश्वासी ने, उस व्यक्ति ने बाकी की बातें नहीं सुनी, कब रुकेगा और कब तेज होगा, कब स्लो होगा, बस इतना ही सुना बीच में ही, बस बहुत है। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा वचन सुनते हैं, खास करके विरोधी लोग, वचन के विरोधी, और उसके विरोध में उसको तोड़ मरोड़ कर विरोध में बातें करते हैं। और वो उस घोड़े पे बैठ गया। अब उसने इतना सुना था, ऊपर बैठा और कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल, और वो चल दिया। अब जैसे परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, वो उनके मुंह पे हालेलुया होता है और बोलते रहते हैं। उसने कहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और वो थोड़ा सा तेज दौड़ा, और ऐसा दौड़ा कि वो चट्टानों की तरफ जा रहा था। तब वो व्यक्ति घबरा गया, किसको मैं रोकूं कैसे। अब वो तो सुना ही नहीं था रोकूं कैसे, तो वो डर गया कि ये तो किसी चट्टान से ऊपर से नीचे मुझे गिरा देगा, या ये खुद छलांग लगाएगा तो मैं भी मरूंगा। तो वो घबरा गया। घबरा कर उसने कहना शुरू किया हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे ही उसने थोड़ा सा तेज बोला, घोड़ा और तेज चलने लग गया। अब सीखा तो नहीं था पूरा उसने, भी क्या कहे, पास्टर जी क्या समझा रहे थे, और वो और डर गया। पास्टर का वो व्यक्ति जो था विश्वासी था, फिर वो और तेज बोलने लग गया हालेलुया 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 हालेलुया, और घोड़ा और ज्यादा तेज चलने लग गया। बहुत स्पीड उसकी होगी। वो अब रोके कैसे, उसे कहे रुक 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 रुक, वो रुके ना। और अब उसे ये लगा कि अब तो बस जान निकलेगी। तब और पुकारने लगा परमेश्वर मेरी मदद कर, हालेलुया 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 हालेलुया, और स्पीड से, और वो और स्पीड से चलने लग गया।
आखिरकार वो दूर थोड़ी सी देख रहा है, एक चट्टान है और वो चट्टान खत्म हो रही है, आगे खाई है। उसे लगा कि घोड़ा एकदम खाई में मुझे ले गिरेगा। तब उसे जब उसकी जान निकलने वाली थी तो उसने एक बात उसे याद आई बाइबल की कि मुझे प्रार्थना तो कर ही लेनी चाहिए अपनी आत्मा के लिए। तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। बस घोड़ा ऐसे छलांग लगाकर उस खाई में जाने वाला था। उसे पहले उसने कहा मेरी जान निकल जाएगी, अपनी आत्मा तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं। उसने कहा हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, आमीन। जैसे उसने कहा आमीन, घोड़ा एकदम वहीं के वहीं रुक गया, ब्रेक लगा दी उसने, क्योंकि वो आमीन पे रुकता था। तो जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने, पूरा सुने, आधा नहीं। मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी चर्च को पानी से भर लें। मैंने देखा है अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए, ध्यान दीजिए, अच्छी भावना रखते हुए आज कई पास्टर, प्रचारक, रखवाले अपनी चर्च को पवित्र, अति पवित्र, धर्मी लोगों से भरना चाहते हैं और पापी लोगों से घृणा करते हैं। पापी लोगों से अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए पास्टर लोगों को धर्मी देखना चाहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी वो धर्मी हों, अंदर से भी हों। अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए कई पास्टरों से मैंने सुना, वो कहते हैं चर्च में चाहे चार लोग आए कोई बात नहीं, लेकिन वो धर्मी होने चाहिए। चार ही हों, चाहे दो ही चर्च में आए, ज्यादा नहीं हमें चाहिए, दो ही लोग हों लेकिन वो धर्मी होने चाहिए। अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए चर्च में आते ही व्यक्ति के ऊपर आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा डाल देते हैं, वो बोझ नहीं उठा पाता और कई लोग वापस मुड़ जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए चर्च में आने वाले लोगों में अच्छे गुण भरने के लिए एक साल, दो वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष भी खर्च कर देते हैं और कई बार तो वो व्यक्ति पीछे ही लौट जाता, वापस बैकस्लाइड हो जाता है, जहां उसमें एक कमी, कोई एक घटी, जहां एक अशुद्धता निकलती है तो दूसरी आ जाती है, एक घटी निकलती है दूसरी आ जाती है, एक अशुद्धता निकलती है दूसरी अशुद्धता आ जाती है उनमें, और पास्टर मेहनत करता रह जाता है। अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए कई पास्टर पूरी आयु खर्च कर देते हैं, अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं विश्वासी को सीधा करने के लिए, किसको तो मैं ऐसा सीधा बनाऊंगा, लेकिन वो व्यक्ति उनका फिर टेढ़े का टेढ़ा रह जाता है। अच्छी भावना के साथ उनके मन में यह बात होती है कि मेरी चर्च में चाहे दो लोग आए बहुत हैं, लेकिन वो धर्मी हों, और वो उन्हें धर्मी बनाने के लिए दिन रात लगाए रहता है, अंदर से धर्मी बने, बाहर से धर्मी बने, पहले वो बाहर से धर्मी, अंदर से धर्मी हों। आज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विशेष करके जो पास्टर पर प्रचारक लोग हैं, जो चर्च के रखवाले हैं, कि अपनी चर्च में आप पानी भर लें। हालेलुया, आप अपनी चर्च में पानी भर लें और प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने दें। इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब चमत्कार करेंगे तो वो पानी दाखरस बन जाएगा, वो पानी दाखरस बन जाएगा, वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो पानी दाखरस बन जाएगा। यूहन्ना की इंजील 2:7, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुहा मुंह भर दिया। और आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अपनी चर्च को, अपने मटकों को पानी से भर लो, मुंह पानी से भर लो, पानी से भर लो,
आप जितना पानी से भरेंगे चर्च को, जितना पानी भरेंगे मटकों में, उतना ही दाखरस बनेगा। अगर आपने चर्च को पानी से थोड़ा सा भरा तो थोड़ा ही दाखरस बनेगा। आप ये ना सोचो कि दाखरस से ही मटके भरने हैं, दाखरस से ही मटके भरने, ये मत सोचो। पानी से नहीं भरने, जहां आप ये मत सोचो कि दाखरस से ही चर्च को भरना है। दाखरस का अर्थ है आत्मा के फल से भरपूर व्यक्ति, आत्मा के नौ वरदानों से, पवित्र आत्मा के नौ वरदानों से भरपूर व्यक्ति और आत्मा के नौ फल से भरपूर व्यक्ति, जो आप बनाना चाहते हो कि व्यक्ति को बाहर से भी धर्मी और अंदर से भी धर्मी। सो आप ये ना सोचो कि जो मटके तो मैं तो दाखरस से भरूंगा, चर्च को तो मैं दाखरस से भरूंगा, और ऐसे व्यक्ति से जो पूरे नौ वरदानों से भरा हुआ हो, आत्मा के और नौ फलों से भरा हुआ हो, आप उसमें पानी भर लें चर्च में और प्रभु यीशु मसीह को वहां चमत्कार करने दें। आप पानी से चर्च भर लें, प्रभु उस पानी को चर्च के लोगों में पवित्रता और धार्मिकता भर देंगे। वो आम लोग, पापी लोग जिनसे आपने चर्च भर लिया था, वो दाखरस बन जाएगा। पानी भरने का मतलब जो है, पानी क्या है, जैसे उसका स्वाद नहीं है जिसमें मिलाते हैं वही स्वाद आता है, उसका रंग नहीं है जिस रंग, जो रंग मिलाते हैं वही पानी का हो जाता है। मैं आपको आज जो कह रहा हूं कि वो आम लोग, वो पापी लोग, उससे आप मटके भर लें। पापी लोगों से, आम लोगों से आप मटके भर लें, अपने चर्च को भर लें, और प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करेंगे और उस पानी को दाखरस बना देंगे। जन के वो ही पानी दाखरस बन जाएगा, जन के वो व्यक्ति जो पापी थे और आम लोग जिनसे आपने चर्च भर लिया है, उस व्यक्तियों के अंदर पवित्र आत्मा के नौ वरदानों भर देगा परमेश्वर, उनके अंदर आत्मा के नौ फलों से भी उन्हें भर देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने दे। आप सारी उम्र लगे रहते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, दो ही बहुत हैं। आप खुद दाखरस बनाने में लगे रहते हैं कि कैसे उनके अच्छी भावना भरते हुए, मैंने शुरू से यही कहा आपके मन में अच्छी भावना है और आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि वो धर्मी हो अंदर से बाहर से। अगर आप कोशिश करके कुछ दाखरस बना भी लेंगे, लेकिन जो प्रभु दाखरस बनाएंगे वो उत्तम से उत्तम दाखरस बनाएंगे और वो चमत्कारी दाखरस होगा। हालेलुया, मैं ये चाहता हूं कि लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को काम करने दें आप, प्रभु यीशु मसीह को काम करने दें आप, पवित्र आत्मा को काम करने देंगे लोगों के जीवन में, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें लोगों के जीवन में। जैसे यहां चमत्कारी दाखरस बना, वैसे ही आपके चर्च के अंदर के लोग चमत्कारी विश्वासी बन जाएंगे। मटकों में पानी भर दिया और चमत्कारी दाखरस बन गया, सब हैरान थे। ऐसे ही आप चर्च के अंदर जब पानी भर लेंगे, उसमें प्रभु चमत्कार करेंगे और जो आपके विश्वासी होंगे वो चमत्कारी विश्वासी बन जाएंगे। हमारी चर्च में मैंने लोगों को धर्मी नहीं बनाया, प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने दिया ताकि लोग चमत्कारी व्यक्ति बन सके, ताकि लोग धर्मी बन सके। प्रभु यीशु मसीह को धर्मी बनने दिया। हमारी चर्च का छोटे से छोटा बच्चा भी दाखरस है, उत्तम दाखरस है। हमारे चर्च के छोटे से छोटा बच्चा भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पानी के अंदर गुण भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से भरा हुआ है। हालेलुया, हमारी चर्च का छोटे से छोटा बच्चा भी किसी को उंगली लगाकर प्रार्थना करे तो प्रभु उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, लोगों को चंगा करते हैं,
हमारी चर्च से छोटे से छोटा बच्चा भी उंगली से भी पुत्र आत्मा की सामर्थ बहती है उसकी उंगली से भी। आपने देखा होगा हमारी कई वीडियो, अगर छोटे से छोटा बच्चा ऐसी उंगली भी लगा दे तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। हमारी चर्च के छोटे से छोटा बच्चा भी प्रार्थना करने वाला है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है। हमारी चर्च का छोटे से छोटा बच्चा भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। हमारी चर्च का छोटे से छोटा बच्चा भी आत्मा के फल से भरा हुआ है। हमारी चर्च के छोटे से छोटा बच्चा भी परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि अपना सोना अपना चांदी परमेश्वर के आगे भेंट में डाल जाते हैं, चाहे कितने भी गरीब हैं। हमारी चर्च के छोटे से छोटा बच्चा भी उपवास रखते हैं, 1 बजे वाला विश्वास उपवास नहीं व्रत नहीं, पूरे दिन का जैसे बाइबल में लिखा उपवास रखते हैं। हमारे छोटे से छोटा जो बच्चा है चर्च का वो भी एतवार के दिन की प्रार्थना के दिन की महत्ता को समझता है, वचन की महत्ता को समझता है, पास्टर की आज्ञाकारिता को समझता है, पास्टर से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के साथ लिपटा हुआ है। हालेलुया। ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कर दिया उनके जीवन में, बल्कि मैंने तो चर्च को भर लिया पानी से, आम लोगों से, पापी लोगों से कहूं तो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किया और उत्तम दाखल रस बना दिया, उत्तम दाखल रस बना दिया। हालेलुया। और वो गुणों से भरपूर हो गए। हमारी चर्च के लोग गुणों से भरपूर हैं। ओरी बारा सखा बोनी सी भी। आप अगर हमारे चर्च के लोगों की गवाहियां सुने आप हैरान हो जाएंगे, कैसे चर्च के लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, कैसे चर्च के लोगों के जीवन बदला है। ओरी सिखा बारा सबा। आप हैरान हो जाएंगे, ये सब किया है प्रभु यीशु मसीह ने। अगर मैं एक व्यक्ति को कोशिश करता सीधा करने के लिए तो 10 साल 20 साल भी मेरे निकल जाते। थोड़ा सा इधर सीधा होता, ऐसे सीधा होता, इधर टेढ़ा हो जाता, इधर से सीधा करता इधर टेढ़ा हो जाता, बस मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने मात्र चर्च में पानी मुहा मुंह भर लिया और प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने दिया। मैं आपसे ये कहूं, आप कहते हैं चर्च में 2 ही लोग आए तो बहुत है, 4 ही हो बहुत है, लेकिन वो धर्मी होने चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने आपके कहने से आज्ञा मानना शुरू कर भी दिया, ठीक है, आज्ञा माननी शुरू कर दी आपके कहने से, फिर भी परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। यकूब 2:10 यकूब की पत्री 2:10 सारी आज्ञा का अगर कोई पालन करे और एक ही आज्ञा में चूक जाए, एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब में दोषी ठहरता है। साफ लिखा। आप उससे आज्ञा 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 सिखाते 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 आपने बहुत मेहनत की, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपका हृदय शुद्ध है, आप धर्मी व्यक्ति हैं, इसलिए उसे आप सुधारना चाहते हैं, उसे सिद्ध बनाना चाहते हैं, अपनी कोशिश से, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, ना मेरे चर्च में तो 2 हो लेकिन धर्मी हो, ऐसा अच्छा विचार, अच्छा विचार आपके मन में है। लेकिन आज जो मैं आज से कहता हूं कि आपने 10 साल खर्चे, 20 साल उसके लिए मेहनत की और 20 साल के बाद फिर उसने गलती की, तो आपकी 20 साल मेहनत कहां गई? एक ही बात में दोषी तो सब बातों में दोषी। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर प्रभु यीशु मसीह को वहां पर आप काम करने दें, चमत्कार करने दें, तो मैं आपको एक वचन बताता हूं, रोमियो 3:23-24 रोमियो की पत्री 3:23-24
इसलिए कि सबने पाप किया है। पहली बात, सबने पाप किया है ये मत भूलिएगा। इसका मतलब सब पापी होते हैं पहले, सब पापी होते हैं पहले, पर यीशु मसीह जब तक उन्हें धर्मी ना ठहरा दे तब तक। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहत हैं। सबने, सब मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहत हैं, इसमें कोई शक कोई परंतु नहीं है। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत मत मतलब मुफ्त में, फ्री में, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। एक तो यह है कि कोई व्यक्ति उन्हें 10 साल सिखाए, 20 साल सिखाए, मेहनत करे कि वो धर्मी बने, धर्मी बने, धर्मी बने, और वो फिर एक यकूब 2:10 की तरह एक बात में चूक जाए और फिर वही हाल हो जाए उसका, पापी ठहरे। और एक ये कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरने दें और वो जीवन भर धर्मी ही बने रहेंगे। जब तक वो जिएंगे इस धरती पर वो धर्मी होंगे, परमेश्वर पिता उसे धर्मी की निगाह से देखेंगे, और जब स्वर्ग पर उठा ले जाएंगे तो भी वो धर्मी की निगाह से ही देखे जाएंगे। धन्य है वो जिसके पाप क्षमा होंगे और जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। और यहां लिखा है जब परमेश्वर ही उसे धर्मी ठहरा देंगे तो कौन है ये कहने वाला कि नहीं नहीं ये धर्मी नहीं है, जब परमेश्वर ने कह दिया कि यह धर्मी है। इसलिए दाखरस बनाने दें, परमेश्वर को चमत्कार करने दें। एक वचन पढ़ते हम लोग, मत्ती की अंजील 22 अध्याय और उसका एक वचन। मत्ती की अंजील 22 अध्याय एक वचन, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। पहली बात कि जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, जिस दृष्टांत की बात करने वाला हूं, वो स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत है, वो स्वर्ग की बात है। मत्ती 22 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। यहां पर क्या है, एक राजा ने एक भोज रखा, विवाह भोज रखा, और लोगों को बुलाया। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, और जिनको बुलाया था यहूदियों को जो धर्मी थे और वो नहीं आए, तब सब अन्य जाति को बुलाया गया। आप इस विषय पे ये एक अलग गहराई में जाना पड़ेगा इस पे भी, अगर आप समझना चाहेंगे तो। लेकिन मैं जब वो नहीं आए तो आगे की बात बता रहा हूं, 9 और 10 वचन। उसने कहा चुराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। घर के स्वामी ने क्या कहा, यह स्वर्ग का दृष्टांत है, स्वर्ग का, धरती का नहीं। चुराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में ले आओ, स्वर्ग राज्य में ले आओ। उन दासों ने सड़कों पर जाकर, ध्यान से सुनिए, उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, क्या लिखा है, क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर भर गया। हालेलुया, आप भी अपने चर्च को भर लीजिए। आज परमेश्वर आपसे यह मांग करते हैं कि चुराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको चर्च में बुला लाओ। उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया, और विवाह का घर लिखा है भर गया, मुहा मुंह भर गया विवाह का घर। क्या भले क्या बुरे, सबको इकट्ठा कर लिया। हालेलुया, कोई तो अपने काम के लिए जाना चाह रहा था और चौराहे पर खड़ा था, कोई कुछ
किसी के फटे हुए कपड़े थे, कोई कैसे लिबड़ा हुआ था, कोई कैसा था, कोई कैसा था, कोई कैसा था, सबको बुला लिया। यह नहीं कि धर्मी आए, धर्मी आए, धर्मी आए, धर्मी आए, बस दो धर्मी हो, चार धर्मी हो, ऐसा नहीं। उस घर को भरना था, उस घर को भरना था, सबको बुला लाओ। स्वर्ग का यह दृष्टांत है। वहां पर सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मिला, वो एक अलग स्टडी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूं। वहां मात्र एक व्यक्ति मिला जो नरक में डाला गया था, कैद में डाला गया था, क्योंकि उसने क्या था, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, जितने लोगों को भी इकट्ठा करके लेके आ रहे थे, जितनों को भी, लिबड़े तिबड़े, कोई नहाया नहीं था, कपड़े फटे थे, गंदे थे, कैसे भी थे, सबको जो प्रधान था वस्त्रालय का, तो ऐसा ही करते थे राजा, जो वस्त्रालय का प्रधान था, जहां से कपड़े मिलते थे वो वाला, तो उसके पास लाया जा रहा था, और वो उन्हें सुंदर कपड़े देता था, कैसे, राजकुमारों जैसे, मुफ्त में, मुफ्त में, और वो कपड़े उन्हें देता था और कहता था आप इन्हें पहने, और वो लोग तैयार होकर और वो कपड़े पहनते थे, और पर जो उस विवाह का घर था वो भर गया, सबने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि मुफ्त में मिले थे उन्हें, राजकुमारों जैसे, राजाओं जैसे कपड़े थे उनके। लेकिन एक व्यक्ति था वहां पर, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं कपड़े चाहिए, मेरे कपड़े तो अच्छे हैं, मैंने तो टाइटू लगा रखी है, यानी कि वो कह रहा था मैंने तो अपने धर्म के काम मेरे अच्छे हैं, मुझे नहीं चाहिए मुफ्त की धार्मिकता। तो उसने कहा ठीक है चलो अंदर जा। जब राजा ने देखा और सब तो राजे महाराजा जैसे कपड़े पहन रखे हैं, मुफ्त में जो उन्हें दिए गए थे, लेकिन उसे पूछा रहे तूने कपड़े नहीं पहने, उसने कहा होगा कि मेरे तो कपड़े अच्छे हैं, विवाह के कपड़े मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे तो बढ़िया कपड़े थे, इनके तो फटे पुराने थे, इसलिए इन्होंने पहन लिए। उसे नरक में डाला गया, जेल में डाला गया। तो आप के कपड़े आपके धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता जब हम पहन लेते हैं, हम मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि आप चर्च को भर लें, इधर से जाएं, उधर से जाएं, सबको इकट्ठा कर लें, और फिर प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में धार्मिकता के कपड़े देंगे, मुफ्त में धार्मिकता, और आपके लोग सब धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। आप बस आपको कहना है आओ आओ मुफ्त में स्वर्ग पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कीमत चुका चुके हैं। आओ आओ मुफ्त में क्षमा पाओ पापों की, मुफ्त में धार्मिकता पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कीमत चुका चुके हैं, अब आपको नहीं चुकाने की कीमत। हालेलुया। तो आप उन्हें उन्हें आने दें चर्च में, हर तरह के, और प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन में चमत्कार करने दें। अगर आप कहें कि मैं पानी से कैसे भर लूं, मेरे पानी भी नहीं है, तो भी एक वचन आपको बता देता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 17, 18 और 19 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 17, 18 और 19 वचन। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, आप कहें कि बिशप जी आप तो कहते हैं चर्च को पानी से भर लें, कैसे भरें, क्या करें, अरे ये भी बात आप पर बिशप सिंह के ऊपर ही छोड़ दें। अगर आप ऐसा चाहेंगे, क्या लिखा है यशायाह 41:17 वचन में, जब दीन और दरिद्र लोग जो प्रभु के आगे हलीम और दीन हो जाएंगे, जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां, चट्टानों से भी पानी बहाने वाला हमारा परमेश्वर है, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा, मैं जंगल को तालाब ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हालेलुया। आपको
पानी भी परमेश्वर ही उपलब्ध करवा देंगे। हालेलुया, आपको बस भरना है, चर्च को भर लीजिए। पानी भी वही था, दासों ने क्या किया, किसी बर्तन लेकर मटके पानी से भरने शुरू कर दिए और प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। पानी भी उस उनको खरीदना नहीं पड़ा, मुफ्त में ही था। परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं पापियों को बचाने आया हूं। पहला तिमोथियुस से 1:15 में लिखा है, यह बात सत्य और हर प्रकार के मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता, उद्धार करने के लिए जगत में आई। हालेलुया। आप अपनी अच्छा सोचते हैं कि चर्च में सब धर्मी हूं, लेकिन आप जब सब लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर चमत्कार करेंगे। अपनी चमत्कार चर्च में चमत्कार होने दें, आपकी चर्च को भर लीजिए। जितने भी लोग आप भर लेंगे, मात्र एक आधा ऐसा होगा जिसने धार्मिकता के कपड़े ना पहने हो, नहीं तो सब लोग ही परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने से धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप अपने चर्च को पानी से भर लें, क्योंकि प्रभु वहां चमत्कार करने वाला है। आप अपने चर्च को चाहे भले चाहे बुरे लोगों से भर लें और प्रभु यीशु मसीह को वहां चमत्कार करने दें। जितने भी लोग होंगे सब पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएंगे, आत्मा के फलों से भर जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दें, आपके साथ रहें, आपकी मदद करें। आमीन।